सिंधु की शादी देखकर छोटा गोविंद और मुन्नी गुड़िया की शादी की सोचते हैं। गुड़िया की शादी है, परमेश्वरी विवाह कानून पढ़ती है। 18 से कम उम्र की लड़की की शादी गैर कानूनी है। परमेश्वरी उन्हें हवालात का डर दिखाकर धमकाती है। बेरी माई, गंगा माई और बुढ़िया सचमुच घबरा जाते हैं और पाटिल की सलाह लेने आ जाते हैं। इस महंगाई के जमाने में तू भी कंजूस हो गया? एक हाथ से देता है और 10 हाथों से निकाल लेगा। उस मन्नी से जान का मेरे सिवा कोई है भी नहीं। अब सुन, कितनी बार कहा है कि उसे नन्ही सी जान मत कहा कर। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वही तो मैं उसे कह रही थी। तू तो कह रही थी उसे 14 पूरे हो गए। मुझे लगता है मेरी भाभी के भाई के बीवी की सौतेली माँ जब चार धाम की यात्रा के लिए गई थी तब पूरनमासी के दिन इसका इंदु का जन्म हुआ था। नहीं कहा था हमने चांद जैसी बेटी है? नहीं कहा था? हाँ कहा था। हाँ, कहा तो था। उस बात को 15 साल से कम तो नहीं हुए, मानो 16-17 भी हुए होंगे, मानो 18 ही हुए है कि नहीं? बस तो लड़की 18 की है ही। हाँ। अरे तूने सचमुच सुना है कि वो हथकड़ी लगवा रही है सबको? जी पाटिल जी, मैंने इन आंखों से सुना है। वो ऐसी जा रही थी स्कूल छाता लेके, और रास्ते में खट्टी चाची, मेरा मतलब है बेरी माई की देवरानी, उसकी छोटी बहू द्रुपदा मिली उसको। उसे बता रही थी शाम तक ले आऊंगी दरोगा को, मैं खुद ले आऊंगी और सबको हथकड़ियां लगवाऊंगी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। हाँ। हे भगवान, ये औरत की जन्म का बदला ले रही है मुझसे। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ, तू कैसी बहू ले आई है घर में? मैं क्या करूँ, यही लिखी थी मेरे भाग में। अब रोना धोना बंद करो, पूरे गांव को सर पर मत उठाओ। आपको ही कुछ करना होगा। सासवड़ की चौकी तो यहाँ से 5 कोस होगी, उसे पैदल जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। सूरज डूबने पर वापस आएगी। क्यों रे गज्जू? मालूम नहीं नए दरोगा जी कैसे हैं। अगर दिल नरम होगा तो हाथ गरम करके काम हो सकता है। किसका काम? उसका या हमारा? जिसकी मुट्ठी में ज्यादा गर्मी हो उसका। गरम करने भी हुए तो कहाँ से लाएंगे इतने रुपए? वो तो क्यों, तू तो पार्टी फिर रही थी वहाँ दरिये के दुकान में आने पैसे तो दे रही थी ना? तो पैसा भूल गई तुम? औरतों ने तो मछली बाजार खोल दिया है। दीवारों के भी कान होते हैं, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर एक बार दारोगा ने गांव में पांव रख दिया तो गांव का सारा कारोबार गांव वालों के हाथ से निकलकर पुलिस के हाथ में होगा। सो तो नहीं होना चाहिए। हम अकलमंदी से काम लेंगे, अब मुझ पर छोड़ दो। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? बस अब तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं, ये निपट लेंगे सारी बात। सारा जब से शादी से लौटा हूं ना, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है। कितना मोटा था लड़का, रो रो के बेचारे इंदु की जान जा रही थी। हमसे भी उम्र में लड़का बड़ा है मगर हरकतें बच्चों जैसी करता है। और दादी क्या बोली मालूम है? क्या? लड़की की राय पूछना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर हम नाटक वालों से कौन शादी करेगा। तुम लोगों को तो सिर्फ अपनी सूझ रही है। अरे बेचारी इंदु की सोचो। तुझे क्या, तेरी तो हो गई है, लेकिन मेरा क्या होगा? ठहरो ठहरो ठहरो,
मेरे मन में एक आइडिया आया है। पाटिल जी से परमिशन लेकर आज शाम को हम एक नाटक करते हैं। हाँ, और हमारी तरफ से गज्जू पटा लेगा पाटिल को। बिल्कुल। मेरा बाबा की बहू परमेश्वरी स्कूल में ही है, दरोगा को खबर करने अभी तक वो गई नहीं। मगर औरत जात है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो कह दिया वो करके भी दिखा सकती है। क्यों जी, मैं ठीक कर रहा हूं ना? तुम उस पर कड़ी नजर रखना, कहीं जाने लगे तो कुछ मीठी बात बताकर यहां ले आना। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, मगर उन नाटक वालों का क्या करें? करने दो नाटक। नाटक का नाम सुनकर गांव वाले इकट्ठे होंगे, ये तो और भी अच्छा है, उनसे क्या डरना। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? ठीक है गज्जू, तो फिर जाकर जल्दी से उन्हें हाँ कर दो। गज्जू, ठहरो तो। अरे क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही हो? क्यों बताओ तो। मैं जा रही हूँ कंस राजा के पास शिकायत करने कि ये किशन महाराज का पेंडिया मेरी राह रोक रहा है। कंस महाराज के पास? राजा के पास? ये दरोगा के पास? भाभी जी, तुम्हें मालूम है क्या, आज गांव में नाटक है, ग्राम सभा है। अच्छा? हाँ। मुझे नहीं मालूम था। नहीं मालूम तो कम से कम आज के दिन राजा के पास मत जाओ शिकायत करने। आज के दिन छोड़ दिया। छोड़ दिया? हो गया काम। पहले तुम्हारा भाषण होगा फिर नाटक। नहीं नहीं पाटिल जी, पाटिल जी, पहले नाटक होगा तो ठीक होगा, आखिर में हम बात करेंगे। नहीं नहीं, अगर पहले नाटक हुआ तो लोग चले जाएंगे नाटक देखकर, तुम्हारी बात के लिए कोई नहीं रुकेगा, और अगर रुके भी तो सो जाएंगे, तुम्हारी बात उनकी समझ में नहीं आएगी। शांत 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 हो जाइए। हमारे गांव की बहुत उच्च परंपरा है, हमारे गांव की एकता को देखकर ये आजकल के तोड़फोड़ करने वाले आया राम गया राम के जमाने में पास के गांव वाले अचरज से पीले पड़ जाते हैं। बहुत दिनों में हमने ऐसी ग्राम सभा नहीं बुलाई थी, और फिर ये फसल भी अच्छी आई है, और साथ ही साथ शादी का मौसम भी, तो जिसके घर में भी हमारे गांव में ब्याहता लड़की है, चिंता से उसकी गहरी नींद उड़ गई है, तो हमने सोचा कि हम पुजारी जी से ये शादी ब्याह के बारे में हमारे पुराने पवित्र शास्त्रों में क्या लिखा है जरा सुन तो लें, ताकि हमारी बहू बेटियों को सुख शांति मिले। क्यों जी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ पुजारी जी, चलिए बताइए। भाइयों और बहनों, ए पागल तो नहीं हो गया? बहन किसको कहता है? माफ करना बुआ जी। मामाओ, मामियो, भतीजों, भतीजियों, चाचाओ, चाचियो, दादाओ, दादियो, भांजो, भांजियो। अरे बस बस, आगे बोल। तो वैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि बेटा ही माँ बाप को परलोक सिधारता है। जी मतलब अंत समय में बेटे के पानी पिनाले से ही माँ बाप सरक पहुँचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कन्या संकटों की राशि है, फिर भी शास्त्र कहता है कि कन्या अगर सयानी होने के पहले उसकी शादी कर दी, लेकिन
आजकल ऐसे कहा नहीं जाता, इसलिए मैंने ये नहीं कहा। शास्त्र कहता है कि कन्या अगर सयानी होने के बाद जितनी जल्दी उसकी शादी करा दे तो माँ बाप का सड़क का रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। रिजर्वेशन मतलब सड़क में उनकी जगह पक्की हो जाती है। बस बस अब तू बैठ जा। शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नाटक का नाम है सीता स्वयंवर। इस नाटक का पात्र परिचय, सीता माता की भूमिका में गणेश यादव। सीता का बाप जनक राजा की भूमिका में खुद निर्देशक वासुदेव सूर्यवंशी। सीता माता की भूमिका में गोरख कुमार। श्री रामचंद्र की भूमिका में रज्जाक मुल्ला। और महापराक्रमी रावण की भूमिका में कज्जू सेठ। वादक हैं बच्चू बेटी वाले। तो प्रस्तुत करते हैं सीता स्वयंवर। मेरी लाडली बेटी, ये शिवधनुष बहुत भारी है, पाँव पे गिर जाएगा तो जख्म हो जाएगा। जाओ ना माँ, ये तेरे खेलने की चीज नहीं है बेटा। मुझे शिवधनुष के साथ घोड़ा घोड़ा खेलना है। अब जाओ, मुझे अच्छा लगता है, मैं बच्ची हूँ ना इसलिए खेल रही हूँ। माँ की अपने लाडली बेटी के साथ क्या बातें हो रही है। आइए महाराज, पधारिए। देखो ना पिताजी, मैं धनुष के साथ घोड़ा घोड़ा खेलना चाहती हूँ तो माँ मना करती है। चल मेरे घोड़े। टुक टुक टुक। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए महाराज, क्या देखते देखते हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई। बड़ी? ये तुम्हें बड़ी लग रही है? ये तो अभी बच्ची है। नहीं महाराज, आप प्यार से अंधे हो रहे हैं। हमें तो लड़का नहीं है। अगर हमारे लड़की की शादी बाली उम्र में ना हो तो हम नरक पहुंच जाएंगे, यही शास्त्रों में लिखा है। तुम किस शास्त्र की बात कर रही हो महारानी? तुम मुझे शास्त्र सिखा रही हो? मैं राजपाट चलाता हूं, इसका मतलब मैं शास्त्र नहीं जानता? याद करो, पार्वती जी की शंकर जी के साथ बचपन में शादी हुई थी? नहीं, पुराने जमाने में किसी भी भगवान की शादी अपने देवी के साथ बचपन में नहीं हुई थी। महाराज, मगर जमाना क्या कहेगा? नहीं महारानी, दोनों बातें एक साथ मत करो। इस भारतवर्ष में अनेक शास्त्र हैं और अनेक शास्त्रों में अलग अलग लिखा गया है। कभी कभी तो ये शास्त्र एक दूसरे के विरुद्ध भी कहते हैं। मुझे तो अपने बेटी की चिंता खाई जा रही है। नहीं नहीं महारानी, नहीं, आप चिंता मत करो। हम अपनी बेटी को जितनी दे सके उतनी शिक्षा देते हैं। बड़ी होकर वो अपना पति खुद चुन लेगी। बड़ी होकर वो अपना पति खुद चुन लेगी, है ना बेटी? अरे सुन, अरे सुन, अरे सुन, अरे सुन, ठहर, गिर जाओगी। अरे सुन, ठहर, गिर जाओगी। अरे सुन, ठहर, गिर जाओगी। और मुंह में उंगलियां डालकर नाखून मत चबा। इसमें उंगलियां उंगलियां मत चबा, नाखून मत चबा। ए, ए लड़की, मरवाओगी मुझे? ये क्या खेलने की चीज है? मेरा निशाना अच्छा है, मैं कैसे मारूंगी?
आज माँ बेटी के बीच में क्या बातें हो रही है। पधारिए महाराज। देखिए महाराज, देखते देखते हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई। सही है। जब बच्ची थी तो धनुष का घोड़ा बनाकर खेलती थी, अब निशाना लगा रही है। वाह वाह वाह। महाराज क्या आपको अभी तक नहीं लगता? महाराज क्या आपको अभी तक नहीं लगता क्या? कि इसकी शादी होनी चाहिए? ठीक है ठीक है, बुलाओ उसे, हम उसी से पूछते हैं। महाराज आप उसकी मर्जी पूछेंगे, ये तो सरासर गलत बात है। महारानी हमने उसे अच्छी शिक्षा दी है, वो अपने भले बुरे का अच्छी तरह से सोच सकती है। लेकिन महाराज जरा सोचिए तो, अगर हमने जो सोचा है उसके बारे में अगर वो उसके मन को नहीं भाया तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? या उसकी बात सुनेंगे या हमने उसके भले की जो सोची है वो करेंगे? नहीं नहीं, किसी भी बात की जिद नहीं करेंगे महारानी। ठीक है, बुलाओ उसे। हे लाडली सीते, इधर तो आ। क्या है माँ? बेटी हम तुम्हारे शादी की सोच रहे थे। अच्छा? मुझे शर्म आती है। नहीं शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, बताओ तुम्हें कैसा पति चाहिए? बाबा माँ मुझे शूर और सुशील पति चाहिए। और देखने में हट्टा कट्टा और हसमुख चाहिए। महाराज महाराज मुझे लगता है इसके मन में लंकापति रावण भाग गए हैं। हाँ, हाँ। आपने कैसे जान लिया? क्योंकि वो तो हट्टे कट्टे हैं, हसमुख है। ठीक है ठीक है। बेटी क्या तुम्हारे मन में लंकापति रावण आए हैं? बिल्कुल नहीं बाबा। हाँ? क्यों? वो तो बड़े सम्राट हैं। होंगे लेकिन वो मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं। लेकिन वो तो शूरवीर है। होंगे लेकिन उनकी पहली शादी हो चुकी है मंदोदरी जी के साथ। देखिए महाराज। हाँ। सुना आपने? ये तो ना समझ है, हम ही को उसके भले की सोचनी चाहिए। बाबा माँ आप मुझ पर जबरदस्ती मत कीजिए। आपने इतना मुझे लाड़ प्यार दिया, अब मेरा दिल मत तोड़िए, मुझे ना करने की इजाजत दीजिए ना बाबा। देखिए महाराज ये तो मनमानी कर रही है। अगर बचपन में ही उसकी शादी करा देते तो ऐसे मुंह ऊपर करके ना बोलती। नहीं 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 महारानी नहीं, अगर तुम शास्त्र पढ़ती तो तुम भी यही कहती, मैं सही कह रहा हूँ। हाँ महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शांत, अरे शांत शांत हो जाइए भाई, मुझे थोड़ा सोचने को वक्त तो दो। क्यों जी? क्यों जी, मैंने ठीक कहा ना? पाटिल जी मेरे पास किताब है शास्त्र की, मेरा मतलब है कानून की। अरे तो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोलेगी ना? आप खुद पढ़ के देखिए। क्या कर रहे हैं? ला इधर ला अपनी किताब। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आज से 10 शास्त्रों के बारे में बात करना बंद करेंगे। इस गांव में एक ही कायदा चलेगा, ये मैं पढ़ता हूँ। अब बाल विवाह कानूनी जुर्म है, 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु के लड़के का विवाह करना कानूनन अपराध है। पाटिल जी शादी के लिए लड़की की उम्र आपने बताई 18 साल और लड़के की 21। क्या ये कह दिया मैंने? हाँ। बस 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 शांत रहिए, अब सब कुछ ठीक हो गया है। आज से गांव की एकता संभालना हमारा धर्म है, बहु बेटियों को सुख देना भी हमारी जिम्मेवारी है। आज से इस गांव में 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होगी। अच्छा है ना?
अब तो दरोगा इस गांव में नहीं आएगा। बिल्कुल। पर इंदू, अरे आज दिन पैर को नहीं कहा था हमने, इंदू तो 18 बरस की हो गई। हो गई, हो गई। पाटिल जी ने कहा है कि अब गांव में 18 से कम उम्र की किसी लड़की की शादी नहीं होगी। अब इंदु की हो चुकी है, तो जो बीत गई सो बात गई। मैं कहती हूँ उसे कहेंगे सब भूल जाओ। तो क्या बहू से माफी मांगेंगे? अब दरोगा से हथकड़ियां लगवाने से तो अच्छा है मैं भाभी से बात करूंगा। चाची, हाँ चाची, गलती हो गई, फिर से छोटी गुड़िया की शादी नहीं करेंगे। दरोगा को मत बुला, हथकड़ियां मत लगवा। दरोगा से हथकड़ियां लगवाने की बात तो मैंने ऐसे ही कह दी थी, मजाक में। वैसे तो मैंने एक बार द्रुपदा से भी कहा था कि अगर तुमने अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखा तो मैं वैद्य जी से कह के तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। अरे गुड़िया की शादी कराने के लिए सजा थोड़ी होती है, वो तो भाभी। हाँ। भाभी, तुम्हारी वो किताब तो बड़ी भारी निकली, मुझे भी दिखा देना। अरे दिखा दे, क्या कह रही है, पढ़ना सीख। लाख की झूठ मूठ के हवालात की, पाटिल जी को आया पसीना, सारे गांव का मुश्किल जीना। अनजाने में किताब खुल गई, अनहोनी को होनी कर गई। कानून सिखाए काला अक्षर, आंखें खोले काला अक्षर, न्याय दिलाए काला अक्षर। नहीं तो काला अक्षर, भैंस बराबर, भैंस बराबर, मेरी भैंस बराबर, भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर, भैंस बराबर, भैंस बराबर, भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर।